रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, एक और सुबह का आगाज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तो बहुत अच्छी है, लेकिन सुबह में गर्मी और बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो खैर, बेचारे परिंदे और इंसान सब लोग गर्मी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। खैर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है आजकल, लेकिन ना बस शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह ताला के सभी दिन बनाए हुए बहुत अच्छे हैं। तो खैर, अभी उठी हूँ और अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो खैर अब कुछ टाइम तक नाश्ता करूँगी। तो मेरा ऑमलेट जो सा है वो रेडी हो गया, अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। ये देखे मेरी मम्मा जो सी है, चारपाई जो सी है वो बना रही है। ये मेरी मम्मा ने पिछले साल की चारपाई शुरू की थी, ये अब पूरी की है। गर्मी इतनी हो गई है, अंदर रूम्स में सोया ही नहीं जाता, बेड के ऊपर गर्मी इतनी लगती है। तो मैंने कहा अभी ये चारपाई कंप्लीट करे, चारपाई कम है इसमें मैं सोया करूंगी। तो अब ये चारपाई पूरी होगी तो फिर इंशाल्लाह ऊपर लेके जाएंगे ना अम्मी। ये मेरी अम्मी जो सी है ना, बड़ी अच्छी है। दो रस्सियां रह गई हैं, चारपाई होगी पूरी। अच्छा, हाँ थोड़ी सी रह गई। ये पिछले साल ना अम्मी बना रही थी, फिर सर्दियां आ गई, दिल ही नहीं किया अम्मी का, तो वो सर्दियां ज्यादा थी, तो अब तो जरूरत है। अम्मी चारपाई बना रही है, मैं खाना बना लूं। बस पकाने लगी थी मैं, और प्याज जो है वो कटिंग करके इसमें मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था, वो डालूंगी इसमें तकरीबन 2 चम्मच। आज भाई का दिल कर रहा था कढ़ाई बनवाने को, मैंने कहा चलो बना देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। ये देखिए, ये ना अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया है, क्योंकि बिल्कुल भी वो वाइट हो ना, भुना ना हो तो वो स्मेल आती है। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, अब वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं सुरख मिर्च, रेड चिली 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी आप अपनी जैसे आपको टेस्ट पसंद है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग वैसे ही कम यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा, तो मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। और हल्दी पाउडर लूँगी वो 1/2 टीस्पून, और 1.5 मैं लूँगी, 1 टीस्पून मैं साल्ट ले लूँगी। अब इसको अच्छे से भूनूँगी, तो मसाले को अच्छे से भून लूँगी। इसमें चिकन ऐड कर लूँगी, गोश्त इसमें डाल दिया था, तो ये देखिए गोश्त ने पानी छोड़ दिया है, ये देखिए नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये जो सा गोश्त ने पानी छोड़ा है ना, इसी में ही इसको मैं पकाऊंगी, इसी में ही इसने गल जाना है और बहुत अच्छा का टेस्ट आएगा। इसमें मैं पानी और नहीं ऐड करूंगी, अगर और पानी डालूंगी तो वो फिर जो सा है वो ज़्यादा गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा गोश्त, तो मैं इसी में ही पकाऊंगी इसको। अब ये देखें जो सा चिकन है उसने घी जो सा छोड़ दिए हैं,
अब मैं चेक करती हूँ गला या नहीं गला। मेरा इरादा था कि उसी पानी में मैं इसको पकाऊँ जो चिकन ने छोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे शक है कि जैसे ये ना अभी कच्चा है, तो मैं चेक करती हूँ ये कच्चा तो नहीं है अभी। जी ये तो ये देखें अभी ना ये कच्चा बन है इसमें, इसलिए इसमें मैं ना एक गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब देखती हूँ क्या बना है, चिकन का गरम है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। अभी इसका ना मेरा इरादा था इसकी कढ़ाई बनाओ, लेकिन मुझे अब कहा गया है नहीं कढ़ाई नहीं बनाओ, इसको सालन बनाओ, इसका थोड़ा सा ना शोरबा रखो। तो अब मैं ऐसे ही करूँगी, लेकिन ये अब ज़्यादा है पानी, अभी इसको अभी पकाऊँगी। तो ये देखें चिकन जो है हमारा हमारा चिकन जैसे है वो माशाल्लाह से गल चुका है। ये देखें गल गया, चिकन भी गल गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही 1 चम्मच ही मैं इसमें साबुत गरम मसाला पिसा हुआ डालूंगी और 1 चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। अब इसको ये देखें चिकन ने घी छोड़ दी है और आप देखें कितना मजे का लग रहा है। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है ना अम्मी, कलर देखें कितना प्यारा है। मैंने कहा थोड़ा सा और पक जाए क्योंकि मुझे थोड़ा शोरबे में ही चाहिए। मैंने ना चूल्हा बंद कर दिया है, अब धनिया से इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लो, मैंने कहा अच्छा लगेगा। ये देखिए कितनी मजे की लुक है, ये बना भी बहुत मजे का है। माशाल्लाह अम्मी कह रही माशाल्लाह कहो, है अम्मी माशाल्लाह कहो, माशाल्लाह कोई भी चीज हो माशाल्लाह, अम्मी कहते माशाल्लाह कहो। मैं वैसे माशाल्लाह कहती हूँ लेकिन ना ये बनेगा। इतना मैंने ज्यादा मसाले नहीं इसमें डाले, वो कुछ लोग होते हैं ये भी डालें वो भी डालें, लेकिन फिर भी बहुत मजे का बना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। रिहान इधर देखो, रिहान देखो, रिहान इंजॉय कर रहे हैं, रिहान गर्मी इंजॉय कर रहे हैं, रिहान मजा आ रहा है, तब में मजा आ रहा है। रेहान फिश बने हुए हो जी। तो शाम हो गई है बल्कि रात हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन ये खुशी की बात है मौसम बहुत अच्छा हो गया। जितनी सुबह गर्मी थी और मतलब इतनी हीट, लेकिन उतना ही इतना खूबसूरत मौसम हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, लेकिन ये कि ऊपर छत पे ना अंधेरा काफ़ी था इसलिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़े का मौसम हो गया, काफ़ी दिनों बाद मौसम इतना अच्छा हुआ है। तो खैर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।